मैं हूँ राधे माँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मेरे साथ बैठे हुए हैं दा किशोर वाधवानी, दबंग दुनिया न्यूज़ चैनल के मालिक, जिनकी अखबार भी है और चैनल भी है। तो आज वो भी आए हैं इंदौर से, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने आप को गुरु, संत या साधु नहीं मानती हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं अभी तक खुद ही एक फॉलोवर हूँ। मैं ईश्वर को फॉलो कर रही हूँ, और मैं जो भी मेरे पास चल के आते हैं मैं उनसे भी सीखती हूँ कुछ ना कुछ। तो मैं ये कहूँगी कि जो आने वाले हैं उनका प्रेम है, तो वो मेरे चाहने वाले हैं, तो मुझे प्यार करते हैं, तो मैं उनको थैंक यू कहूँगी कि उनका बहुत थैंक यू है कि वो चलकर मेरे पास आए हैं। माँ, आपकी एक नज़र एक झलक पाने के लिए जिस तरह से लोगों के मन में एक आस होती है और आपको देखने में इतनी खुशी मिलती है, तो वो जब भक्त आपके पास आते हैं आपको कितनी खुशी मिलती है उनके बीच रहकर? हाँ, बहुत, क्योंकि मैं उनको बहुत सच्चा प्यार करती हूँ, और उनको मैं एक सच्ची राह देती हूँ कि अपने मम्मा पापा का कभी दिल नहीं दुखाओ, उनको मम्मा पापा का दिल कभी नहीं दुखाओ। मतलब वो असल गुरु वो होते हैं, पहले गुरु अपने माँ बाप हैं, दूसरे गुरु गुरु हैं। तीन ऋण हैं इंसान के ऊपर, एक माँ बाप का ऋण, एक गुरु का ऋण, एक भगवान का ऋण। तो जब तक तुम्हारे माँ बाप खुश नहीं होते, तुम कहीं भी जाके घूम लो तो कहीं भी खुशी नहीं मिलती। माँ ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा है और फिर दुख सहा है, तो जब तक उसको खुशी नहीं देते तो कहीं भी खुशी नहीं ले सकते। मेरी प्रीचिंग ये है कि अपने मम्मा पापा को खुश रखो, ये मैं उनको प्रीचिंग देती हूँ, और मैं उनको जोश देती हूँ, जीने की हिम्मत देती हूँ कि लाइफ में कभी अगर बुरा टाइम आए तो किसी दूसरे को कोसो ना कि उसने मुझे दुख दिया। एनी बैड एक्सपीरियंस इज़ अ लर्निंग पॉइंट, कि अगर कोई दुख आता है तो वो नहीं देता, ये ऊपर वाले की लीला, वो हमें आगे लेके जा रहा है। चैलेंज है हमारे लिए, चैलेंज है, अगर चैलेंज ही नहीं होंगे तो हम आगे नहीं जाएंगे। द शो मस्ट गो ऑन, कि जो तुम कर रहे हो उसको तुम लगे रहो, करने में लगे रहो, जुटे रहो अपने काम में। ये ईश्वर हमारी हमारा इम्तिहान ले रहा है कि जो मेरा फॉलोवर है, जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरी रचाई हुई रचना है, ये कहते हैं कि हम ईश्वर को प्रेम करते हैं। जैसे हम जैसे लोग हैं आते हैं संसार सेवा के लिए, तो हम ईश्वर को बड़ा प्रॉमिस करते हैं कि हम ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, तो वो हमें घड़ा है अंदर से, हमें पूरा रखता है, मतलब रखता है हमें पूरा सेफ, बाहर से ठोकरे मार मार के तो हमें ठोक के देखता है कि क्या मेरी परीक्षा में पास हो सकते हैं। तो माँ, आप भी देखने को मिलता है कि जरूरतमंद जिन्हें जरूरत होती है किसी चीज़ की, वो चीज़ें लेके आप उनके बीच पहुँचती हैं, तो इस तरह से माँ किस तरह से आप देखती हैं कि किसे क्या जरूरत हो, आप उनके बीच वो लेकर पहुँच जाती हैं, उनकी मदद करती हैं आप? सच पूछो तो मेरा कोई औकात नहीं कि मैं उनकी मदद कर सकूँ। मैं ईश्वर हर हृदय में परमात्मा है, मालिक है, तो सच्चाई ये है कि मैंने गुरबाणी पढ़ी है, तो मैं सेवा करती हूँ, तो जहाँ भी मुझे पता चलता है तो मैं ईश्वर की कृपा से सेवा करने चली जाती हूँ, क्योंकि उसके दिए हुए में से मैं तिल मात्र अगर निकालती हूँ तो मेरी कोई हस्ती नहीं कि मैं किसी को दान कर सकूँ। मैं सेवा करती हूँ। आज के दिन आपका क्या संदेश है? आज के दिन का मेरा संदेश है हैप्पी गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा पे देवी माँ के दर्शन करने के बाद ऐसा आभास हुआ कि साक्षात भगवान के दर्शन हुए। मेरे देवी माँ की कृपा से 1.5 साल से मैं देवी माँ से जुड़ा हूँ, उनके चरणों में मेरे को
सौभाग्य मिला, लेकिन कोशिश तो मैं पिछले 4-5 वर्षों से करता था, लेकिन एक योग नहीं आता था जिसमें मेरे को देवी माँ की कृपा हो सके और उनके दर्शन हो सके। आज मैं आया, देवी माँ के दर्शन किए और देवी माँ के दर्शन करने के पश्चात आप ये कह सकते हो कि ऐसी कृपा बरसाई जो हमने जीवन में नहीं सोचा था वो पाया है। सबसे ज़्यादा इंसान शायद आप हो, मैं हूँ, चाहे डली बाबा कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो तो सीधा कहेगा मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ और गुरु कृपा चाहिए। और देवी माँ ने हमको ऐसा स्वस्थ कर दिया जो सपने में नहीं सोचा था और कृपा बरसा दी साथ में। धन दौलत की तो कमी होना ही नहीं है जब देवी माँ की कृपा है साक्षात। सर आज के संसार में कोई भी बाबा हो या माँ हो, इनके चमत्कार देख के लोग उनके साथ प्रभावित होते, क्या क्या कभी आपके साथ कोई ऐसा चमत्कार की घटना घटी? देखो देवी माँ से सिर्फ विश्वास कर लो तो चमत्कार आपके साथ चलेंगे, ये नहीं है घटे, साथ चलते। और मैंने तो साक्षात का देखा, टली बाबा उसके गवाह है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, 30% ऑक्सीजन पे चल रहा हूँ, अगर 25 हो जाता तो मैं अभी ऊपर से गुरु पूर्णिमा मनाता रहता। लेकिन देवी माँ आए, अगले दिन मेरा 85 हुआ, अगले उसके थर्ड डे 98% हो गया, जो आज की तारीख मेंटेन है। अभी भी मेरी ऑक्सीजन चेक की जाए मिनिमम 98, मैक्सिमम 100%। तो ये क्या है, ये चमत्कार नहीं है तो और क्या है? दूसरी बात सोचो, और देवी माँ की तो ऐसी कृपा है। मैं तो कहता हूँ इस धरती पे अगर भगवान है तो देवी माँ, उनको लालसा तो है नहीं, पैसा लेते नहीं, कोई चाहते नहीं, वो भोली वाली गुड़िया है, उसका दिल जिस पे आ जाए उसको दुनिया ने शावर कर दे। सिर्फ दिल लाने की है, दिल कैसे आएगा? आप में तमन्ना होना चाहिए, आप में श्रद्धा होना चाहिए, आप में भक्ति होना चाहिए। इंसान श्रद्धा रखता नहीं है, भक्ति करता नहीं है और चाहत रखता है तो कैसे होगा? ये संत महात्मा भगवान सिर्फ भूखे होते हैं तो किसके होते हैं? सिर्फ श्रद्धा के, भक्ति के। इंसान मैं तो कहता हूँ श्रद्धा और भक्ति करके तो देख ले, फिर पता चलेगा। यहाँ आने की जरूरत नहीं, मैं तो साफ बोलता हूँ, यहाँ देवी माँ के दर्शन करने की जरूरत नहीं, श्रद्धा रख लो। आप अमेरिका से भी ना देवी माँ को याद करोगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने ये चमत्कार देखे, इसलिए चमत्कार की कभी भी विवेचना नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि वो चमत्कार होना ही बंद हो जाते हैं और किसी को बताना भी नहीं चाहिए। आज मैं पहली बार मीडिया के माध्यम से सिर्फ इनडायरेक्ट रूप से कहता हूँ, जिस किसी में भी अटूट श्रद्धा और भक्ति है वो देवी माँ से वो पा सकता है जो उसने जीवन में कभी सोचा ना हो और जिसने पाया ना हो वो पा सकता है। धीरे धीरे इंदौर के अंदर मैं पहले जुड़ा देवी माँ बनी जाते, आज लाखों करोड़ों देवी माँ आती है, पागलों सर के आते हैं सिर्फ एक कि दर्शन हो जाए, सर पे हाथ रखना बहुत दूर की बात है आज। लेकिन हम मीडिया में, मैं भी मीडिया से हूँ, अभी हम मीडिया वाले किसी को कुछ मानते ही नहीं, हमने देवी माँ को नहीं माना। क्यों? कि सब साधु संत महात्माओं से कंपैरिजन देवी माँ कर दी। अरे इनसे कंपैरिजन क्या करते हो? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? जिसने इनको जांचा हो वो तुझ पर बोल सकता है, जिसने देखा ही नहीं बस सबके साथ घसीट रहे। हमारे मीडिया में तो सब बस एक ही है कि सब एक गुलाड़ी उठाओ और सबको निकालो, वही हाल है। किशोर वाधवानी जी को अक्सर लोग किस काम से जानते हैं? वो एक संपादक हैं, वो एक चेयरमैन हैं, वो एक गायक हैं। देश की जनता जानना चाहती है किशोर वाधवानी आखिर है क्या? किशोर वाधवानी सिर्फ एक ही है, राधे माँ का भगत, बाकी सब उसके बाद है, पहले भगत। सर आपका पूरा इंट्रोड्यूस। किशोर वाधवानी भगत राधे माँ का। माता जी आपके साथ है और यहाँ पे आज भक्तों का आना जाना हुआ, लोग आए, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा टल्ली बाबा के द्वारा?
अपील तो जय माता दी, जय श्री राधे माँ। सब भक्तजनों को, सब देशवासियों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सबका साल मंगलमय हो और माता रानी कृपा दृष्टि बरसाए रखें। और देवी माँ जी, जो भी देवी माँ जी के भगत हैं, वो देवी माँ जी को सिर्फ माँ रूप में मानते हैं, क्योंकि देवी माँ जी जो है हमेशा यही ज्ञान देते हैं कि सबसे पहले माता पिता की सेवा, बाद में बार वाली माँ की सेवा। अगर घर बैठे माँ बाप भी खुश हैं हमारे, तो बार वाली माँ भी खुश हैं। कहते हैं कि ममता बस चिड़ी चोग चुगावे, भूखी रहे बच्चों को खिलावे, ममता ने बांधे सब प्राणी, ब्राह्मण डोमजा राजा रानी। जहाँ पर माँ शब्द आ जाता है, चाहे वो राजा है, चाहे वो रंक है, चाहे वो कुछ भी है, क्योंकि जहाँ पर माँ का शब्द आ जाता है, वहाँ पर ममता का और आ जाता है। क्योंकि जहाँ पर भक्तों को प्यार मिले, स्नेह मिले, ममता मिले, तो भगत क्यों नहीं जाएंगे। आज देशभर क्या विदेश से लोग आए हैं, आज जगह जगह, आज जम्मू से लेके पठानकोट से लेके दिल्ली तक, जितने भी गांव, जितने भी शहर हैं, सब जगह से वहाँ पर से राधे माँ जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। जैसे फगवाड़ा है, जलंधर है, लुधियाना है, फ्लोर है, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, दिल्ली, सोनीपत, अम्बाला, हर एक जगह से आज माँ जी के दर्शन करने आए, इंदौर से आए हैं, और फॉरेन से भी लोग आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आया है, कोई लंदन से आया है, कोई कनाडा से आ रहा है। आज यानी कि हर एक जगह से माँ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि माँ जी का यही ज्ञान है कि जितना आप, जो व्यक्ति जमीन पे बैठता है उसको कभी गिरने का डर नहीं देता। आप जितने लोग नीमे होकर रहोगे, उतना आप लॉन्ग लाइफ चलेंगे। जहाँ पर आप में अहंकार आ गया, वहाँ पर आप ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि माँ जी ने यही सिखाया कि जितने आप नीमे रहेंगे, हमेशा पंजाबी में है कि नीमे रुख को फल लगता है, आप जितना झुक के रहेंगे उतना आप माँ जी के साथ लॉन्ग लाइफ चल जाते, क्योंकि माँ जी को सच प्रिय है। कहते सत्यमेव जयते ही देव, हमेशा सच्चाई की जीत होती, झूठ के पाँव नहीं होते। एक झूठ बोलने के लिए हमारे को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, मगर माँ जी बोलते हैं कि आप सत्य के रास्ते में चलें। देखो, गुरु जो हमारी आत्मा को प्रकाश देता है, उसको ही गुरु बनाया जाता है, उसकी ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। जो हमारे को अच्छा मार्ग दे, जो हमारे को सत्य पे चलाए, जो हमारे को अच्छाई दिखाए, जो टूटे हुए व्यक्ति को जोड़ता है, उसको ही गुरु कहा जाता है। जैसे हम सत्संग में जाते हैं, कीर्तन में जाते हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, राधे 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 राधे। इसका मीनिंग क्या है? राह दे, राह दे। जो रास्ते से भटक जाते हैं उसको रास्ते में डाल देते हैं, जो टूट जाते हैं उसको जोड़ देते हैं। राह दिखाने वाली माँ, राधे माँ। तो माँ सबको रास्ते में डालते हैं, जो टूट जाते हैं उसको जोड़ते हैं। माँ जी का ज्ञान क्या है? सबसे प्रथम उनका ज्ञान है कि जैसे बच्चे हैं, क्योंकि हमेशा बच्चे बोलते हैं कि माँ बाप गलत हैं, माँ बाप बोलते बच्चे गलत हैं। गलत कोई नहीं है। जब ये हमारी जो परवरिश है, जब आप बच्चों को टाइम देंगे तो ही आप बच्चों को समझ पाएंगे। जब आप बच्चों को टाइम नहीं देते तो बच्चे बिगड़ते हैं, उनको भक्ति नहीं आती, उनको ज्ञान नहीं पता। उनको जब देखो, सच्चे गुरु की जब शरण में रहते हैं तो सब चीज़ें धीरे धीरे आती हैं। जैसे कहते हैं सयाना व्यक्ति, जैसे हमारे पंजाब में जो बुजुर्ग होता था उसको बोलते कि घर का गहना है। तो आजकल के जो व्यक्ति हैं, वो जब हमारे माता पिता वृद्ध होते हैं, जैसे कोई 50 साल का, 60 साल का, वो क्या सोचते हैं आजकल के बच्चे कि हमारे पे ये बोझ बन गए हैं, हमारे पे बर्डन बन गए हैं, तो वो क्या करते हैं, आधार आश्रम में उनको छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद उनका हालचाल नहीं पूछ रहे थे, क्योंकि राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से, श्री राधे गुरु माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हम लोग जगह जगह पर चैरिटी करने जाते हैं, और हम लोग बिचरते हैं लोगों में। और तो इसलिए हम आपको आज उनकी सबकी बात बता रहे हैं जो फैक्ट हैं, क्योंकि पिछले जन्म में जैसे त्रेता था, द्वापर था, सतयुग था, उस युग में कभी माँ ने बच्चे की तरफ पीठ करके भी नहीं सोया होगा। पीठ तो दूर की बात, कभी बच्चे को अकेला भी नहीं छोड़ते थे। आज कलयुग का इतना प्रभाव है कि कलयुग में माँ का मुँह इधर है, पिताजी का मुँह इधर है, बेटे का मुँह इधर है, और बेटी का मुँह इधर है, चारों दिशाओं में चारों का मुँह है। ममता में राधे माँ जी का ज्ञान क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाए तब उनको दोस्तों की तरह डील कीजिए, उनको दोस्तों की तरह रखिए। देखिए, जब हम बच्चे को दोस्तों की तरह समझेंगे, अपना समझेंगे,
तो एक तो वो गलत दिशा में नहीं जाएगा, गलत काम नहीं करेगा और गलत बार घर की बातें नहीं जाएंगे। जब आप बच्चे को डांटोगे तो बच्चा क्या करेगा, यार मेरे मम्मी पापा तो डांटते रहते हैं तो इनका तो काम डांटने का है, तो कुछ भी करो तो उन्होंने डांटना है, तो इसलिए हम लोग वो डीठ बन जाते हैं, तो वो फिर आते बिगाड़ लेते हैं, गलत रास्ते में चले जाते हैं, नशों में चले जाते हैं, गलत संगत में फंस जाते हैं। तो जो राधे माँ जी हैं वो सही संगत में लगाते हैं, अच्छा सिखाते हैं कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, हमको कैसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, भाई को बहन के साथ कैसे रहना चाहिए, मम्मी को बेटे के साथ कैसे रहना चाहिए, पापा को बेटे के साथ कैसे रहना चाहिए। आज जितने भी हमारे रिश्ते नाते जितने भी हैं वो सब हमारे को ममता में श्री राधे माँ परम पूजनीय श्री राधे माँ जी ने यही सिखाया है कि बच्चा प्रेम से जितना आप रहोगे उतना आप लॉन्ग लाइफ चलोगे, जहाँ पर आप में थोड़ा सा अहंकार और मैं की बुआ गई और आप ख़त्म हो जाओगे। तो इसलिए हम नियमों के रहते हैं। तो मैं बच्चों की बात कर रहा था, ये सब ममता में श्री राधे माँ जी के मुखारविंद से हमने ये ज्ञान सुना है, जो हमने सुना है, जो हमने समझा है, आज हम आपको सब देशवासियों को यही बता रहे हैं कि ममता में श्री राधे माँ जी का क्या ज्ञान है, कि उनके ज्ञान के आप उनके मार्ग पे चलिए तो आप देखिए कैसे आपको हर एक जगह से सुख ही सुख मिलेंगे, दुख तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे को आस्था बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी तो हम सिमरन करते हैं परमात्मा का, सिमरन करते हैं तो हमारे को धीरे धीरे प्रेम हो जाता है भगवान से, जब हमको प्रेम होता है तो भगवान अपने आप कृपा करते हैं। कितना मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानो तो बहता पानी। माँ जी का जो मैं बता रहा था ज्ञान है कि जैसे रात को सब चारों मेंबर इकट्ठे बैठे एक ही टेबल में और एक ही जगह खाएं, जहाँ चटाई बिछा के, जैसे पुराने जमाने में होता था हमारे गांव में, जैसे होता है कि सब नीचे बैठ के खाते हैं, तो वो नीचे बैठ के खाने का जो आनंद है वो अलग ही है। जब बच्चों के साथ आप दुख सुख फूलोगे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, बच्चों ऐसा नहीं ऐसा, तो वो भी आपको बताएंगे कि कभी ऐसा नहीं कि बड़े ही सही होते हैं, ऐसा भी कि कभी बच्चों से भी शिक्षा ली जाती है, क्योंकि शिक्षा लेना हमारा धर्म है। चाहे एक आपसे छोटा व्यक्ति है वो आपको अच्छी बात बोल देता है, कभी हमने कभी बड़े ने नहीं सोचा होता कि यार ऐसी बात भी हो सकती है। तो जैसे अदार आश्रम में जहाँ पर बोरीवली ईस्ट में वहाँ पर 120 लोग रहते हैं वहाँ पर, तो ममता में श्री राधे माँ जी की तरफ से कभी उनको चारों धाम की यात्रा, जैसे अपने चारों धाम मीन्स बॉम्बे में जैसे हमारे बोलते हैं सिद्धिविनायक मंदिर, मुंबा देवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, बाबूनाथ मंदिर, तो फिर माँ अपने माहिम दरगाह हैं, जैसे हाजी अली दरगाह हैं, तो उनकी इच्छा होती है क्योंकि वो जा नहीं पाते, कभी उनके बच्चे लेकर जाते हैं, हमारे अपने राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हमारी बस जाती है उनके लिए पूरा खाना वगैरह, उनको सबको वीआईपी दर्शन वगैरह, क्योंकि जितने भी ट्रस्टीज हैं सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि एसएस करके आज राधे माँ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से इतने लोग आने वाले हैं दर्शन करने के लिए, तो उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है माँ जी की कृपा से। तो हम सबको, क्योंकि दिल से जब जुड़ते हैं तो बंदा हमारे को सब बात बताता है कि हाँ भी ऐसा है, क्योंकि देखो हम आपको भी अपने परिवार का मेंबर समझते हैं, हम चाहते हैं हमारे ऊपर कृपा हुई है कि सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए, क्योंकि आप भी हमारे भाई बहन हैं, तो हम सबको अपनी तरह समझते हैं। यही माँ जी ने ज्ञान दिया है और उसी ज्ञान के अनुसार हम चलते हैं। जय श्री राधे माँ, जय माता दी।